सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिकटॉक ट्यूटोरियल्स हिंदी। गाइस, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया टिकटॉक की एक बहुत जबरदस्त एडिटिंग वाली वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन के जैसा स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। गाइस, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है टिकटॉक सुपरस्टार जैसे कि लकी डांसर, फैसू, जन्नत जुबैर, रियाज, आशिका, इन लोगों के जैसे ब्रांडेड कपड़े जो है वो अपने घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से सस्ते प्राइस में मंगा सकते हो। और उससे जब वीडियो आप बनाओगे ना तो आपका वीडियो पे चार चांद लग जाएगा और आपका वीडियो का क्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जानने के लिए ऑफर को वीडियो देखते रहिए। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है स्लो मोशन की वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, स्लो मोशन की वीडियो बनाने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं। आप टिकटॉक पे जाके भी वीडियो बना सकते हो, स्लो मोशन का ऑप्शन है, लेकिन वहां उतना स्मूथली स्लो मोशन नहीं बन पाता। तो उसके लिए गाइस मैं एक एप्लीकेशन यूज करूंगा, काइनमास्टर एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। और आपको वीडियो जो शूट करना है आप नॉर्मल कैमरे से कर सकते हो या टिकटॉक पे जाके किसी साउंड पे कर सकते हो। उसके बाद उस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है अगर आप टिकटॉक से वीडियो शूट करते हो तो, और आपको काइनमास्टर पे जाके एडिटिंग करना है। तो गाइस, बिना देरी किए चलिए सबसे पहले मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बता देता हूं और उसके बाद आपको मैं एडिटिंग बताता हूं। सो गाइस, इस सीक्रेट ट्रिक के थ्रू आप जो है ब्रांडेड टी शर्ट सिर्फ 105 रुपए में खरीद सकते हो। और अगर ब्रांडेड जीन्स आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 240 रुपए लगेंगे। और अगर आप ब्रांडेड शूज लेना चाहते हैं तो सिर्फ 180 रुपए में आपको शूज मिल सकता है। और ये सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको सस्ते में लेने के लिए कैश करो यूज करना होगा। सो गाइस, चलो मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिया है। पहले वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप कैश करो के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको क्या करना है कि अपने ईमेल एड्रेस या फेसबुक से अकाउंट बनाना है। जैसे ही अकाउंट बनाओगे आपको 25 रुपीज रियल मनी साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ माय अर्निंग वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको 25 रुपीज का कैशबैक अमाउंट शो होगा और उस अमाउंट को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दूसरा लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप स्पॉइल ऐप के जो है ऑफर पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको बहुत सारे ऑफर शो होंगे, ऊपर में कूपन भी शो होंगे। बस यहां पे आपको जो है विजिट रिटेलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट करके आपको स्पॉइल ऐप के होम पेज पे लेके चला जाएगा। फिर यहां से आपको जो है कैटेगरी चूज करना है, जींस का या शूज का या टी शर्ट का। तो चलो मैं आपको एक टी शर्ट परचेज करके दिखाता हूं। तो मुझे ये टी शर्ट बहुत पसंद आया, इस टी शर्ट पे मैं क्लिक करता हूं ऐड टू कार्ट करके। और वहां पे आपको शिपिंग एड्रेस डालना है। शिपिंग एड्रेस डालने के बाद यहां पे आपको यूज स्पॉइल पॉइंट्स का एक आइकन शो होगा, उसे आपको क्लिक कर देना है। आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू चेक आउट का एक जो टैब शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको बैक आ जाना है अपने कैश करो अकाउंट पे, वहाँ पे माय अर्निंग वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो कैशबैक अमाउंट मिला है वो यहाँ पे शो होगा। आपको जो है उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा रिक्वेस्ट कैशबैक पेमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसेसिंग होके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होके चला जाएगा और वहां से आपको पैसे पेड कर देने हैं। और चलो मैं इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि मुझे कैसे 105 रुपए में टी शर्ट मिला। और गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि कैश प्रो जो है अपने यूजर्स को अब तक 100 करोड़ रुपए तक का कैशबैक दे चुका है। और आपको जो 40% का डिस्काउंट मिलता है वो मंथ में आप 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जैसे ही आपके कैश करो कैशबैक में 250 रुपए हो जाएंगे, उसे आप आसानी से बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और बेहतरीन ऑफर के लिए आप कैश करो के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर शामिल होना ताकि आपको जो है ऑफर की अपडेट्स मिलती रहे। तो गाइस, ये बहुत ही दमदार ऑफर है, इसे यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, फायदा उठा लो यार। तो चलो अब अपने मेन टॉपिक पे चल। तो स्लो मोशन करने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। काइनमास्टर पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है और आपने जिस रेशियो में वीडियो को शूट किया है उस रेशियो को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने 9:16 का रेशियो पे किया था तो इस पे क्लिक करते हैं। फिर गाइस, आपको क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उस वीडियो को लेना है जिस वीडियो को आप स्लो मोशन करना चाहते हो। तो मीडिया पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे एक वीडियो को पहले से शूट करके रखा हूँ तो इस पे क्लिक करके ओके कर देते हैं और ये वीडियो हमारा नीचे आ गया। अब गाइस, यहाँ पे देखो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी स्लो मोशन की वीडियो बनाओ तो उसमें पहले साउंड मत लगाना, पहले स्लो मोशन कर लेना उसके बाद लास्ट में साउंड लगाना। अगर पहले आप साउंड लगा देते हो उसके बाद अगर स्लो मोशन करोगे तो आपका साउंड भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करके उसके साउंड को ऑफ करना है। वीडियो पे क्लिक करोगे ये साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके और इसे क्लिक कर देना, आपका साउंड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस, अगर आप पूरे वीडियो को स्लो करना चाहते हो तो उसके लिए अलग ट्रिक है। अगर आप थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो करना चाहते हो तो उसके लिए अलग ट्रिक है।
आप अगर थोड़ा स्लो, थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा स्लो करना चाहते हो तो अलग ट्रिक है, मैं तीनों आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि देखो ये नॉर्मल वीडियो है, इसमें कोई भी स्लो वलो नहीं है, मैं डायरेक्ट सिर्फ चल के आ रहा हूँ। अब मुझे पूरा वीडियो स्लो मोशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो पे क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें मैसेज कर सकते हो, पूरी हेल्प की जाएगी। तो स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करना है और आपको लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे करना है, ठीक है, मतलब राइट साइड की तरफ इसे पीछे की तरफ खिसकाना है और 0.5x तक आपको रखोगे तो आपका वीडियो थोड़ा स्मूथली स्लो मोशन होगा। अगर ज्यादा कर दोगे तो थोड़ा सा अटक अटक के चल सकता है, वो मोबाइल के कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं दोनों के बीच में रखता हूँ, अब प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये वीडियो स्लो हो चुका है। तो ये हुआ पूरा वीडियो को स्लो करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आधा पार्ट को कैसे स्लो करना है। तो सबसे पहले आपको वीडियो के उस पॉइंट पे जाना है जहां से आपको स्लो करना है। तो मैं इस पॉइंट पे आ गया, वीडियो पे क्लिक करना है, सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्प्लिट एट प्लेहेड कर देना है। अब आप इस दोनों में से जिस पार्ट को स्लो करना चाहते हो उस पे क्लिक करना है। तो मैं लास्ट वाले पे क्लिक करना चाहता हूँ, लास्ट पे क्लिक किया, स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करके फिर आपको इधर इस साइड में कर देना है। अब आप प्ले करोगे तो आपको इतना पार्ट जो है वो नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर ये स्लो हो जाएगा। चलो ये एक तरीका था। चलो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ वीडियो में आप देखे होंगे कि पहले नॉर्मल रहता है, फिर थोड़ा फास्ट हुआ, फिर स्लो हो जाता है। तो फिर से आपको उस तरह का वीडियो बनाने के लिए अपने वीडियो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे जाके कट करना है, यानी कि जहां तक आप नॉर्मल रखना चाहते हो फर्स्ट वीडियो को। तो मैं यहाँ पे कट कर दिया, ये मेरा नॉर्मल रहेगा, फिर थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, फिर स्लो करूंगा, तो फिर एक कट लगाना है आपको। और जिसको फास्ट करना है उस पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करके और इस साइड में आपको कर देना है, ठीक है, इस साइड में, उल्टा साइड में, और फिर इस पर क्लिक करके इसे स्लो करना है तो फिर से स्पीड कंट्रोल पे करके और इस साइड में कर देना है। अब वीडियो प्ले करो, देखो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा, पहले नॉर्मल, फिर फास्ट, फिर स्लो, ठीक है। तो ये ट्रिक से जो है कोई भी है जो है स्लो मोशन करते हैं, जिसके पास आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड से इस तरह से ही करके टिकटॉक पे अपलोड करते हैं लेकिन आईफोन के जैसा नजर आता है। अब इसके नीचे साउंड लगाना है, मैंने पहले ही कहा था वीडियो में पहले साउंड नहीं लगाना है, तो आप साउंड कहीं पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी स्लो मोशन का वीडियो है टिकटॉक पे उसे डाउनलोड कर लो और उसके साउंड को यहाँ यूज कर लो। तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखा है तो उसे उसका साउंड मैं यूज करूंगा। तो उसके लिए आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, मीडिया वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको वो वीडियो लेना है जिस वीडियो का आप साउंड यूज करना चाहते हो। तो इस वीडियो को मैं ले लिया, फिर आपको ये सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। तो इसका ऑडियो निकल के नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हो, फिर इस वीडियो को डिलीट कर देना है। तो वीडियो पे क्लिक करके इस डिलीट पे क्लिक कर दो, वीडियो डिलीट हो जाएगा। अब आप प्ले करोगे तो कुछ इस तरह का आपको सुनाई देगा। इस तरह से जो है आपका वीडियो रेडी हो चुका है। तो मैंने तीनों ट्रिक आपको इस वीडियो में बता दिया है, आप जिस तरह से भी चाहो स्लो मोशन बना सकते हो, ठीक है, प्रोसेस सेम है। अब इसे मेमोरी कार्ड में सेव करना है, सेव करने के लिए शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 720p 30 सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर ले। सो गाइस, यह थी आज की वीडियो, कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को या सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस, फिर मिलते हैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।